नमस्कार दोस्तों, सिविल इंजीनियरिंग में आपका स्वागत है। ये देखिए, आपको साइट पे लेके चलते हैं। साइट के नज़दीक में आपका बालू, ईंटा, गिट्टी, पानी, सीमेंट सब नज़दीक है। इससे आपको एक फ़ायदा है कि काम आपका बहुत तेज़ी से होगा। काम का यही आपको फ़ायदा है। पानी के तराई के लिए भी दिक्कत नहीं होगा अगर पानी आपके नज़दीक है। और ये देखिए, मसाला 5 इंच का मसाला बनाया गया है। 5 इंच के मसाले में आपको एक बोरी सीमेंट में ये है धामा, एक बोरी सीमेंट में इस धामे से 10 धामा 5 इंच के जोड़ाई के लिए 10 धामा बालू दिया जाता है और एक बोरी सीमेंट, तो 5 इंच जोड़ाई के लिए मसाला रेडी होता है। और अगर आपका 10 इंच का दीवार जोड़ाई है तो इसी धामे से 12 धामा बालू और एक बोरी सीमेंट दिया जाता है। इससे आपका दीवार मजबूत होता है। वैसे कुछ लोग 14 धामा भी देते हैं, लेकिन 12 आपका मजबूती के लिए सबसे बढ़िया है। यह है 10 इंच का दीवार, इसमें आपको एक बोरी सीमेंट में 10 धामा बालू दिया जाता है इस धामा से। और यह है 5 इंच दीवार, इसी धामे से अगर 5 इंच का मसाला बनाना है तो 10 धामा बालू, एक बोरी सीमेंट मसाला बनाया जाता है, इससे मजबूत होता है। और ये है हम लोग का लोगेन उस्ताद। लोगेन, ये देखिए, लगता है काम से थक गए हैं उस्ताद है। ये देखिए, खूब मुस्करा रहे हैं, काम से बहुत खुश हैं। आपका ठेकेदार आपको टाइम में से पेमेंट देता है? हाँ पाड़ी, टाइम में पैसा दे देता है ना? दे देगा, ठेकेदार कहीं नहीं जाएगा। और ये देखिए, मिस्त्री जो 5 इंच का जोड़ाई कर रहे हैं। और ये है हम लोग का सीनियर उस्ताद आ रहे हैं, जो घाटशिला के रहने वाले हैं, सीनियर मिस्त्री। हाँ पाड़ी, हाय हेलो, कुछ बोलना है? हाय हेलो। ठीक है, आप काम से खुश हैं? तो खुश है। दीवार में जितना पानी दीजिएगा उतना मजबूत होगा, 5 इंच का दीवार है। अच्छा, ठीक है, पानी बढ़िया से दिया जा रहा है, बढ़िया मिस्त्री है। ये देखिए, सही बात है, पानी आपका घर पे पानी का तराई जितना कीजिएगा, पानी जितना दीजिएगा, आपका दीवार उतना मजबूत होगा। यहाँ देख सकते हैं, ये देखिए मिस्त्री हम लोग का बहुत बढ़िया काम कर रहा है, बहुत फिनिशिंग और अच्छा से काम कर रहे हैं मिस्त्री हम लोग का। ये देखिए, 5 इंच का दीवार जोड़ाई कर रहे हैं। और यहाँ देख सकते हैं, दीवार का बहुत अच्छा से फिनिशिंग का ख्याल रखा जा रहा है। एकदम दीवार आप किधर से भी देखिए, आड़ा टेढ़ा नहीं दिखेगा, एकदम सीधा दीवार है। देख सकते हैं, एकदम सीधा दीवार है, बढ़िया काम हो रहा है। यहाँ भी देखिए, 5 इंच का है और साइड में वो देखिए 10 इंच का दीवार है। और ये देखिए, पानी का तराई हो रहा है बढ़िया से। हम लोग का हेड मिस्त्री दीवार में खूब अच्छा तरह से पानी दे रहे हैं, इससे आपका दीवार मजबूत होगा। और कॉलम में भी पानी दिया गया है, इसका सुबह एक बार पानी दिया जाता है और एक बार शाम में। बहुत बढ़िया काम कर रहा है, ठीक है। ये देखिए, और ये है रूम, देख लीजिए। इधर जो है 5 इंच का दीवार है सेंटर में बीच का, और साइड का दीवार जो है आपका 10 इंच का है। और ये जो खिड़की है 3x3 का है, स्टैंडर्ड साइज है, सबसे बढ़िया। और दीवार दरवाजे का साइज भी 3x6 का सबसे स्टैंडर्ड साइज है, 6 या फिर 3x6.5 भी दे सकते हैं। और ये खिड़की का साइज देखिए, मस्त है, काम भी बढ़िया चल रहा है। यहाँ देख सकते हैं, F2R सीमेंट, ACC का F2R सीमेंट है। ये आपका फाउंडेशन और कलम के लिए बहुत अच्छा है। वैसे तो बहुत सारा मार्केट में सीमेंट अवेलेबल है,
वो सीमेंट भी अच्छा रहता है, लेकिन हम मेरा अपना मकान में ये यूज कर रहा है, ये बढ़िया सीमेंट है, फाउंडेशन और प्लस आपका छत ढलाई के लिए, कॉलम ढलाई के लिए, वैसे लफार्ज का PSC है, ये भी बढ़िया सीमेंट है, आप इसको भी फाउंडेशन में यूज कर सकते हैं, कॉलम में, छत में। तो हम SCC यूज करता है फाउंडेशन में, कॉलम में, और PSC आपका दीवार जोड़ाई प्लास्टर में, बढ़िया सीमेंट है, आप भी देख लीजिए। ये देखिए मिस्त्री काम कर रहे हैं बहुत बढ़िया तरीका से, और उनको सहायता कर रहे हैं मिस्टर लोगेन, और ये मिस्त्री हम लोग का खोगेन, और ये मिस्त्री घाटशिला का हम लोग का जोगेन, ये तीनों भाई हैं एक साथ, लोगेन जोगेन खोगेन, एक जगह काम कर रहे हैं, एक दूसरे की सहायता कर रहे हैं और बढ़िया से दीवार जोड़ रहे हैं। ये देखिए दीवार, मजबूत दीवार, टाई बीम जो है यहाँ पे दिया गया है 1.5 फीट का टाई बीम भी मजबूत है, आप देख सकते हैं टाई बीम जो है यहाँ पे 1.5 फीट का टाई बीम हाइट में दिया गया है, और चौड़ाई में आपका 9 इंच, और टाई बीम में सरिया आपका 6 सरिया दिया गया है, यानी रॉड, ठीक है, और कॉलम जो है कॉलम में भी आपका 6 सरिया दिया गया है, यानी 6 रॉड, और रिंग जो है 8 mm का 7x10 का रिंग दिया गया है कॉलम के लिए, और टाई बीम के लिए 7x12 का टाई बीम के लिए रिंग दिया गया है, टाई बीम भी बहुत मजबूत है, बढ़िया से काम हो रहा है, देखिए जोर शोर से लगे हुए हैं काम, और घर का मालिक जो टाइबीम से यानी प्लिंथ बीम से रड बाहर की तरफ रखा है, इसका मतलब आगे का प्लान है, फ्यूचर में कभी घर बना सकते हैं, इसका आपको बहुत सारा फ़ायदा है, आप अगर ऐसा रड नहीं छोड़वाते हैं तो इसका आपको बहुत सारा नुकसान होगा, ऐसा रड आपका अगर फ्यूचर में कभी घर बनाने का प्लान है आगे का, मतलब और बढ़ाने का, तो आपको हमेशा ऐसा रॉड रखना चाहिए, इससे आपका दूसरे घर में आपका कॉलम टाइबीम और दीवार का खर्चा बचेगा, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले वाला घर से दूसरे वाला घर को अटैच किया गया, इससे क्या होगा कि आपको एक दीवार और जितना दीवार उतना कॉलम, आपका कॉलम का पैसा बचेगा, दीवार का भी पैसा बचेगा, प्लास्टर का भी पैसा बचेगा, और